का काम तो खत्म ही नहीं हो रहा है तो ये हम लोग वही काम से आए हैं अभी कुछ ही देर में मौसम गड़बड़ होने वाला है बर्फ गिरने वाली और हमारे लिए प्रॉब्लम हम लोग को जाना है एक घंटा दूर टून आई होजिंग क्यों जा रहे है कैसे जा रहे हैं ऑन द वे बताते तो मैं हमारा कोयला बेयर भी रेडी हो गया है और आकी दिस इज मोर लाइक अ टेडी बेयर टेडी बेयर चलो ओवर साइज जैकेट पहना दिया उसको क्योंकि तो अगर हम लोग बाहर घूमते हैं उसको पकड़ के ऐसा घूम सकते हैं उसको हवा नहीं लगेगी कान पे तो भी तो फेंक देती है तू तो। ये देखो शुरू हो गई। चलो कोई नहीं बट इतना ठंडा नहीं है हमारा पेपर वर्क का काम तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है तो ये गेस्टेड राइड हम लोग यहाँ वही काम से आए हैं इतना दूर फतेह करके आना और स्कायू और स्कायू की रिस्पांसिबिलिटी मेरे हाथ दुद्ध पिला रहा था भाई साहब वाटर डे ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा कांड ना होता तो कांड तो नहीं बोलूंगा पहले तो तेज बर्फ जो है स्नोफॉल चालू हो गई वहां पर पहुंचे तो स्काई का जो फोटो का साइज अप्रूव नहीं हुआ अपारेंटली हमने वेबसाइट का जो साइज है तो वही लिया था बट वहाँ कुछ और साइज था तो देव वो काइंड तो वेरी काइंड उनको लगा बच्ची नहीं है तो शनिश को बोलते ही काम करो बाद में बिकॉज मैं स्काई का गाड़ी में बैठा था तो शनिश बोला नहीं बच्ची है गाड़ी में ही तो लेके आ जाओ लेके आए वैसे तो जा गई थी जैसे अंदर गई वैसे सो गई आग बंद करके कैसे ना कहते ऐसे करके उसको जगाया वहाँ पे फिर फोटो लेने के थोड़ी आग खुलवाई ऑफ़ कोर्स अंदर में शूट नहीं कर सकता था तो कैसे नहीं शूट हो गया फ़ोटो ले ली फॉर्म पे चिपक गया और अभी हमको बोला है दस से बारह दिन में हमारा काम हो जाएगा और होपफुली बस अपना ऑनलाइन चेक करते रहेंगे वीज़ा आ जाएगा लग जाएगा और अपन फिर बुक करेंगे फ्लाइट तो या सो फार सो गुड और कोई चीज में ऐसा कुछ ही नहीं हुआ बस यही लास्ट चीज में एक फोटो का सीन हो गया तो भी लगता है ऊपर वाले का डायरेक्ट हाथ है मेरे सर पर जिसके है, सर के ऊपर ऊपर वाले का हाथ मेरे फादर का तो आशीर्वाद है ही क्या कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता भाई और यही बातों बातों में हमने, हमने स्काई के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक्चुअली शैनिज ने उसका इतना फोटो डाला बिकॉज आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे तो शैनिज ने, ने फोटो शूट करी थी शैनिज फोटो अच्छा है है लेट मी ऑनलाइन ठीक डाल डाल दे तो वीज़ा का देखो मैंने वीजा कन्फर्मेशन मिल गया मतलब अप्रूव हो गया अभी जैसे हम लोग ट्रैक करेंगे और वैसे ही उसके बीच में अपन स्काई का फेस रिवील कर देंगे मैंने पढ़े आप लोग के कुछ कॉमेंट की निखिल भाई मुंबई जाके करो दादी नानी के साथ करो देखो मेरा प्लान इवेंचुअली वही था लेकिन मुझे स्काई के साथ है ना वो फ्लाइट का वो शूट करना

और बहुत सही किया जल्दी जाके काम निपटा लिया बिकॉज अभी ये बर्फ़ रुकने वाली है नहीं इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले इतनी ज़्यादा बर्फ गिर रही थी तो खिड़की से दिख रहा था अभी बाहर आया तो कम हो गई है अभी पहले लिए और ज्यादा गिरेगी रात भर क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया तो प्रॉब्लम तो कॉफी समथिंग नो you know, आदमी सब कुछ करने के बाद एकदम रिलैक्स हो जाता है बस मेरी कुछ दूरदर्शा ऐसी आई एम सो रिलैक्स राइट नाउ ऑल माय वर्क इज डन लाइक ऑल एवरीथिंग नाउ आई जस्ट हैव टू बुक अ फ्लाइट व्हेनेवर द राइट टाइम कम्स एंड जस्ट एंजॉय द व्यू बाई द टाइम मानते हो कि भगवान वक्त आने पे well, तो बर्फ गिर रही है मस्त तेजी से बट टेम्परेचर माइनस फाइव और फील ही नहीं होता है जब बर्फ मेल्ट होती ना तभी जो है ज्यादा ठंडा लगता है और मुझे एक्चुअली लग रही थी भूख तो मैं सफरे के लिए सनस के लिए थोड़ा लूंगा 2015-16 की बात है अगर आप उस टाइम मुझे फॉलो कर रहे थे तो आपको पता होगा कि मैं मुंबई टू बैंगलोर एक राइड कर रहा था और हुआ क्या बैंगलोर से 300 किलोमीटर पहले मेरी के बाइक की चेन जो है टूट गई माइंड टू में उस टाइम बिल्कुल भी एक्सपीरियंस राइडर नहीं था और मेरे लिए काइंड ऑफ फ़र्स्ट हज़ार किलोमीटर राइड थी और बारिश हो रही थी और मेरी चेन टूट गई और मेरे पास ज़्यादा पैसा भी उस टाइम नहीं मैं कैरी नहीं कर रहा था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसा कैसा रोड में क्या होता है 300 किलोमीटर में मेरा चेन टूटी और मैं फट गई थी बाइक लोडेड थी मैं बाइक को हाईवे पे धक्का मार के जा रहा था उस वक्त अचानक में एक अनजान आदमी आया और सीधा मेरी बाइक को टो करने लगा साइड में रोड पे लिया उसने रस्सी निकाली मेरे बाइक के आगे बांधी अपने पीछे बांधी और मेरे को टो करके एक किलोमीटर दूर लेके गया जहाँ पर पंचर वाला था जिसने मेरी चेन बनाई और वो आदमी चले भी गया मैं उस टाइम इतने शॉक में था और इतना इतना डरा हुआ था बिकॉज मैं भीगा हुआ था बारिश हो रही थी ठंडी लग रही थी बिकॉज मैं दिसंबर में कर रहा था कि मुझे को थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला एंड बाय वे मुझे रियलाइज हुआ कि क्या हुआ वो आदमी जा चुका था वो जो स्टोरी जब मैंने अपने वीडियो में शेयर की थी तो बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई वो भगवान जी थे श्री राम थे जो अवतार लेके आए थे मदद करने के लिए आज कुछ वैसा ही सिमिलर इंसिडेंट हुआ इतना कुछ खौफनाक इंसिडेंट नहीं था लेकिन जैसे मैंने बोला स्काई का फोटो वोटो थो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की एंड में हमको पे करना पड़ता है वीज़ा के लिए और जब पे करने गए वहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं डेबिट कार्ड चाहिए डेट डेबिट कार्ड डाला डिक्लाइन क्रेडिट कार्ड ट्राई किया डिक्लाइन हमारे पास फॉरेक्स कार्ड है जो काइंड ऑफ डेबिट होता है मतलब लोडेड होता है वो कार्ड डिक्लाइन

अन हो चुकी नो नो डों यू कैन पे मी वैन एवर वन हंड्रेड एंड सेवेंटी डॉलर्स की बात दूरी गई इधर कोई भी ऐसा ऑफर नहीं करता किसी को अनजान लोगों को उसने अपना डेबिट कार्ड निकाला पे किया बोला आराम से दो तो। उसने कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन भी मांगी नहीं तो मैं ज़्यादा मुझे रिलाइज हुआ सर आपका नंबर तो दो फोन नंबर तो दो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया सर आप कितने देर हो सो ना पंद्रह मिनट में फटाक से गया ए टी एम से पैसे निकाले आया वो जा रहा उसको मैंने रोका और उसको मैंने उसके पैसे दिए बोला सर आप भगवान का रूप बन के आए हो थैंक यू सो वेरी मच आई सेंड मे मैसेज ऑल्सो कि सर अगेन थैंक यू सो मच बिकॉज़ गाइज ऐसा जब होता है ना मतलब तो ऐसा लगता है कि मैंने मतलब मैंने क्या पुण्य किए होंगे मैंने शानेज ने हमारे माँ बाप ने कि ऐसा टाइम ऐसे टाइम में ना पहचान काम आती है ना पैसा काम आता है ना कुछ भी ताकत काम आती है ऐसे टाइम में ऊपर वाला देखता है कि भाई तूने 99 परसेंट दिया है लास्ट का एक परसेंट चल मैं अवतार बन गया तेरी मदद करता हूँ दो स्टोरी बोली है बीच में तो काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम जब कनाडा आए थे कितना कुछ हुआ था इनफैक्ट जब शैनस का वाटर ब्रेक हुआ था आपने पूरा वीडियो देखा काफ़ी कुछ चीज़ हम शेयर नहीं करते कनाडा आने के बाद तो ऐसा लगता है कि विष्णु जी स्वयं पधारे अलग, अलग अलग रूप लेके हमारी मदद करने के लिए या शाइनस के केस में उसका जीसस क्राइस्ट अवतार लेके आए मदद करने के लिए मतलब वी हैव बीन लकी एवरी सिंगल डे एक होता है मेहनत करना एक होता है पैसा कमाना और तीसरा होता है कि भाई आपका नसीब इतना अच्छा है ऐसा नसीब होता है कि बाहर बारिश हो रही है आप कदम रखो बारिश बंद हो जाती है और एक ऐसा नसीब होता है कि आप छाता लेके पूरा टाइम घूमो कभी बारिश नहीं गिरती है तो भाई कुंभकर्ण की तरह घर पे आके सो गया था लेकिन मेरी बीवी और स्कायू ठीक से सोई नहीं थे बिकॉज दे वो प्लेंग ग्राउंडिंग सुनाओ so ये तो सो गई है शहने से भी सोने वाली है तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा